इधर भारत ने जीता वर्ल्ड कप का खिताब, उधर विराट कोहली ने कर दिया संन्यास का ऐलान। T20 क्रिकेट में नहीं खेलते आएंगे नजर कोहली, रो रहा है पूरा हिंदुस्तान। पहली बार मैदान पर निकले विराट और रोहित के खुशी के आंसू, जसप्रीत बुमराह ने भी अपनी पत्नी को लगाया गले। नाचने लगी अनुष्का शर्मा और सूर्या की पत्नी, भारत ने रचा इतिहास। रोहित ने जो कहा था करके दिखाया, भारत को एक बार फिर विश्व चैंपियन बनाया। विराट और रोहित की दोस्ती आ गई काम, फाइनल मुकाबले में विराट कोहली ने मचाया असली कोहराम। भारतीय टीम ने इतिहास को पलट कर रख दिया, भारतीय टीम ने धोनी की कमी को पूरी कर दी, भारतीय टीम ने इस बार सब कुछ धुआं धुआं कर दिया। रोहित शर्मा रो रहे थे मैदान पर, विराट कोहली के आंसू नहीं थम रहे थे। मैदान के बाहर बैठी अनुष्का शर्मा की आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। सूर्य कुमार यादव की पत्नी रो रही थी, जसप्रीत बुमराह अपनी पत्नी को गले लगाकर रो रहे थे। हार्दिक पांड्या की आंखों में आंसू थे जो कि सैलाब की तरह बह रहे थे। जसप्रीत बुमराह को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे इतना बड़ा इतिहास रचा गया। बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी ने सब कुछ पलट कर रख दिया। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम रो रही थी। 2023 के विश्व कप में भारतीय टीम को जख्म मिले थे, फाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन अब भारतीय टीम चैंपियन बन गई। रोहित शर्मा ने जो सोचा था वही हुआ, विराट कोहली ने अपना सपना पूरा किया और विराट कोहली ने अब संन्यास का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मैदान पर मौजूद दर्शक रोने लगे। इस मुकाबले में एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय टीम के हाथ से मैच फिसल चुका है। हेनरी क्लासन ने पूरे मैच को फंसा दिया। हिंदुस्तान में दिल थाम कर मैच देख रहा था, सबको यही लग रहा था कि शायद आज भी हम हारने वाले और फिर एक बार हार कर ही बाहर आना पड़ेगा। लेकिन तभी रोहित शर्मा ने घातक प्लान बनाया और हार्दिक पांड्या के हाथ में गेंद सौंप दी। हार्दिक के हाथ में गेंद थी और हार्दिक ने रोहित से किया वादा निभाया और क्लासन को आउट किया। यहीं से पूरा मैच बदल गया, क्योंकि लगातार क्लासन अकेले ही मैच पलट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भारत लाख कोशिश के बावजूद इस मुकाबले को हार जाएगा, मगर हार्दिक पांड्या की कमाल ने सारा खेल पलट कर रख दिया। लेकिन जिस तरीके की पारी इस बार विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिली, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। विराट ने सपने में जो सोचा था, विराट ने वही कर दिखाया और एक बार फिर भारत को चैंपियन बनाया। भारतीय टीम विराट कोहली को लेकर असमंजस की स्थिति में थी। लगातार रोहित शर्मा के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि आखिर विराट के साथ ओपन क्यों किया जा रहा है, लेकिन विराट कितने बड़े खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी। यही वजह रही कि विराट पर भरोसा जताया और फाइनल मुकाबले में विराट की वजह से भारतीय टीम चैंपियन बन पाई। एक समय भारत ने रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के साथ ऋषभ पंत का विकेट गवा दिया। लग रहा था कि शायद भारतीय टीम मुश्किल में फंस जाएगी, मगर संकट मोचक बनते हुए विराट कोहली ने वो कमाल करने का काम किया जिसके लिए विराट कोहली जाने जाते हैं। विराट कोहली एक छोर पर खड़े रहे और उन्होंने टीम इंडिया को मजबूती देने का काम किया। विराट कोहली के बल्ले से इस फाइनल मुकाबले में 76 रन की पारी आई। विराट की यह पारी भारत के लिए सबसे ज्यादा काम आई और भारत ने धोनी के बाद आखिरकार एक बार फिर इतिहास रच दिया। 2007 में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी, लेकिन एक बार फिर 2024 में भारत ने इतिहास रचा। मगर अब हर कोई विराट कोहली के लिए रो रहा है, क्योंकि विराट ने मैच खत्म होने के बाद सीधे संन्यास का ही ऐलान कर दिया। विराट ने साफ कहा कि अब उनका काम हो गया, अब उनको आराम करने की जरूरत है, नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए, इसलिए वो T20 क्रिकेट से संन्यास चाहते हैं। विराट कोहली जैसा खिलाड़ी सदियों में एक बार पैदा होता है। जो सपना विराट ने देखा था, जो सपना हिंदुस्तान ने देखा था, जो सपना रोहित शर्मा ने देखा था, उस सपने को पूरा करने का काम खुद विराट ने किया। किसी भी खिलाड़ी के लिए संन्यास इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है कि वो खुद टीम को चैंपियन बनाए और बाद में टीम को अलविदा कहे। विराट ने T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करके गलत किया या सही, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं।